गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप कुछ नया सीखेंगे, लेकिन आइए अब पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मेट मेन्यू के रॉ ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? फॉर्मेट मेन्यू के रॉ ऑप्शन की मदद से आप किसी भी रॉ को हाइड अथवा शो कर सकते हैं और साथ में आप उसके साइज को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। क्या बता सकते हैं प्रिंट रेंज का उपयोग क्यों करते हैं? प्रिंट रेंज की मदद से आप सिर्फ उस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं जिस पर आपने प्रिंट रेंज लगाया है। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मेट मेन्यू के कॉलम ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? फॉर्मेट मेन्यू के कॉलम ऑप्शन की मदद से आप अपने कॉलम को शो अथवा हाइड कर सकते हैं और साथ में इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? ऑटो फॉर्मेट की मदद से आप बनी हुई टेबल अथवा सीट पर ऑटो फॉर्मेटिंग के पहले से बने स्टाइल को लगा सकते हैं, उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो फॉर्मेट में पहले से ही कुछ टेबल डिज़ाइन बनी होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आप अपने डेटा पर अपनी ज़रूरत के अनुसार कंडीशन लगाकर उसके फॉर्मेट को बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मेट के सीट ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? फॉर्मेट के सीट ऑप्शन की मदद से आप सीट के नाम को बदल सकते हैं, साथ में सीट को हाइड और शो कर सकते हैं और इसके टैब के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि इंसर्ट के सेल, रो, कॉलम, सीट के ऑप्शन की मदद से आप इन सभी को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब सेल, रो, कॉलम, सीट को ले सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट में सेल, रो, कॉलम, सीट के ऑप्शन की मदद से आप इनको हाइड और शो कर सकते हैं और साथ में आप उसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें, फिर एक नए तरीके से फाइल को ओपन करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से शॉर्टकट के द्वारा स्प्रेडशीट को ओपन करना सीखें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में से एक हाथ से विंडो के बटन को दबा के रखेंगे, दूसरे हाथ से एक बार आर बटन को प्रेस करना है, दबाना है। जैसे ही आप आर बटन को दबाएंगे एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ से पहले ही एस ऑफिस लिखा हुआ है। अगर पहले से अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे मिटा दें बैकस्पेस बटन से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसे मिटा दिया। फिर यहाँ पे हमें एस कैल्क टाइप करने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे एस कैल्क टाइप किया। फिर अपने पॉइंटर को ओके के बटन पे लेके जाना है और लेफ्ट बटन दबा देना है। आप चाहें तो एंटर बटन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, जो हमारी स्प्रेडशीट की फाइल है वह ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी सीट ओपन हो गया। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट के द्वारा फाइल को ओपन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज आप क्या सीखेंगे। आज की क्लास में आप एक नए टेबल बनाएंगे और उसके बाद में आप कुछ नए फॉर्मूला सीखेंगे, जैसे कि ओड इज ओड, इवन इज इवन, फैक्ट, मोड, पाई, पावर, राउंड, स्क्वायर, काउंट ए, एवरेज, एवरेज ए के बारे में सीखेंगे। आइए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। अब आप सभी सामने दिए गए टेबल को बनाएं अथवा अपनी पुरानी सीट को ओपन करें। आइए स्पेल चेक ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। स्पेल चेक ऑप्शन की मदद से आप किसी भी रॉन्ग स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं।
आइए वीडियो की मदद से स्पेल चेक ऑप्शन के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से स्पेल चेक ऑप्शन के बारे में सीखें। स्पेल चेक की मदद से आप सभी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, रॉन्ग स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही कुछ रॉन्ग स्पेलिंग में कुछ वर्ड्स टाइप कर रखे हैं, जैसे कि स्ट्रीम, प्लेजर, हैप्पी और कंप्यूटर। आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। जिसको आपको स्पेलिंग ठीक करनी है, सबसे पहले उसे सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर अपने पॉइंटर को टूल्स ऑप्शन पे लेके जाएं और स्पेल चेक पे क्लिक कर दें। जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखें स्ट्रीम, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ सजेशन बॉक्स में आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड कई सारे वर्ड्स आए हुए हैं। जो इनमें से करेक्ट स्पेलिंग है उसको सेलेक्ट करें और चेंज पे क्लिक कर दें। जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे वो स्पेलिंग उसे करेक्ट स्पेलिंग के साथ बदल जाएगा। अगला वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेजर लिखा है, जो ऑलरेडी सही स्पेलिंग है उसे इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दें। अगला ऑप्शन देखें हैप्पी, हैप्पी की स्पेलिंग गलत है। तो आप देख सकते हैं सजेशन बॉक्स में अलग अलग वर्ड आए हैं, जो इनमें से करेक्ट वर्ड है उसको सेलेक्ट करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दिया, हमने इसको सेलेक्ट किया और चेंज पे क्लिक किया तो उसे सही वर्ड के साथ वो रिप्लेस हो गया। अगला वर्ड कंप्यूटर, देख सकते हैं कंप्यूटर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे TAR लिखा हुआ है लास्ट में। तो सजेशन बॉक्स में जो सही स्पेलिंग है उसको सेलेक्ट करें, ओके पे क्लिक कर दे। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, शुड द स्पेल चेक कंटिन्यू दैट बिगिनिंग ऑफ द करंट सीट, यस पे क्लिक कर दें और फिर ओके पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमने रॉन्ग स्पेलिंग लिखा था, स्पेल चेक की मदद से हमने उसको ठीक कर दिया। तो स्पेल चेक की मदद से आप रॉन्ग स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो स्पेलिंग गलत है या सही है। आइए गैलरी ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। गैलरी ऑप्शन की मदद से आप कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर या कोई भी ग्राफिक को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं गैलरी का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से गैलरी ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं गैलरी की मदद से आप कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से टूल्स मेन्यू को सेलेक्ट करें, गैलरी ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैलरी का ऑप्शन आ गया, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दे रखे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के इमेजेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्राफिक्स हैं। आप इनमें से किसी भी ग्राफिक्स, किसी भी थीम, पहले किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। जिस तरीके का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए या चित्र चाहिए, आप उस कैटेगरी को पहले सेलेक्ट करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत प्रकार के कैटेगरी दे रखे हैं। हमने स्कूल यानी यूनिवर्सिटी कैटेगरी को सेलेक्ट किया और उससे रिलेटेड देख सकते हैं कि पिक्चर यहाँ पे आया, उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले उस इमेज को सेलेक्ट करें, उस पर राइट क्लिक प्रेस करें। राइट क्लिक करने पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट और कॉपी का, फिर उस पर कॉपी को सेलेक्ट कर लें। जिस इमेज को आपने सेलेक्ट किया है वो आपकी सीट पे आ जाएगा। फिर यहाँ से हाइड कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से हाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से टूल्स मेन्यू पे क्लिक करके गैलरी पे क्लिक कर दें, जो गैलरी का ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। हमने बुक्स का इमेज लिया था वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप ग्रीन कलर के डॉट देख रहे होंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप इस डॉट से इस इमेज के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या उसे ड्रैग करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हम इसके साइज को कम कर रहे हैं। साइज को कम करने के लिए अपने पॉइंटर को इस ग्रीन वाले डॉट बटन पे लेके जाएं, लेफ्ट बटन दबा के उसे ड्रैग करें। जितना आपको साइज चाहिए आप उस साइज को उतना ड्रैग करें, जो आपकी इमेज है उतने साइज में आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर इसको सेलेक्ट करें, देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम इसके साइज को कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भी इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको ड्रैग करके जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे रख दें। तो इस प्रकार से आप गैलरी का उपयोग कर सकते हैं, गैलरी की मदद से कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं।
आइए सबसे पहले ओड फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं ओड फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? स्प्रेडशीट में आप ओड फॉर्मूला की मदद से किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वह वैल्यू ओड है अथवा नहीं। अगर वो ओड नहीं है तो यह आपको आगे की ओड वैल्यू को दिखाएगा। आइए अब वीडियो की मदद से और इस ओड का फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं ओड फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ओड फॉर्मूला की मदद से इवन नंबर को आप ओड में चेंज कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो में देखें, हमने सबसे पहले इक्वल टू को टाइप किया, फिर ओड लिखा, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो किसी नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 280 एक इवन नंबर है। जब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें एक नंबर ऐड करके उसे ओड में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से समझने के लिए इक्वल टू टाइप करें, ओड लिखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ओड हमने यहाँ पे टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर किसी भी नंबर को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें या उसे टाइप करें। हमने यहाँ पे 4 टाइप किया, 4 एक इवन नंबर है। जब एंटर बटन प्रेस करेंगे उसके अंदर एक नंबर ऐड करके उसे ओड में कन्वर्ट कर देगा। फिर से इक्वल टू ओड टाइप करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें। अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1 टाइप किया, 1 एक ओड नंबर है। जब आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप ओड की मदद से किसी भी नंबर को ओड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं इस ओड फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। इस ओड फॉर्मूला की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू ओड है या नहीं। अगर कोई वैल्यू ओड होगा तो उसे ट्रू शो करेगा, अदरवाइज उसे फॉल्स शो करेगा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे सबसे पहले इज ओड लिखा, उसके बाद हमें इस फॉर्मूला को लगाना है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू को टाइप करेंगे, फिर इज ओड टाइप किया, फिर यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है तो कोई वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे 281 हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया। 281 वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। जैसे हमने क्लोज किया तो आप देख सकते हो जो रिजल्ट आया है वो ट्रू आया है, क्योंकि 281 एक ओड वैल्यू है। फिर से चेक करने के लिए हम इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद इज ओड टाइप करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर वैल्यू पूछ रहा है। हमने एक वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ पे 5 हमने एक वैल्यू को सिलेक्ट किया, और इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर बटन को प्रेस किया। जैसे ही हमने एंटर बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रिजल्ट आया वो ट्रू आया। फिर से हम इज ओड टाइप करेंगे, इज ओड टाइप करने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, हमने 1 को सिलेक्ट किया, 1 को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन को प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो ट्रू आया, क्योंकि जो 1 वैल्यू है वो ओड होता है। तो हम यहाँ पे ओड चेक कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू ओड है या नहीं। फिर से हमने यहाँ पे इज ओड लगाया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इस बार हमने 280 वैल्यू को सिलेक्ट किया। जैसे कि आप जानते हैं 280 वैल्यू एक इवन वैल्यू होता है। हमने जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को दबाया तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि 280 ओड नहीं, ये इवन होता है। तो इस प्रकार से आप इज ओड की मदद से आप यह चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू ओड है या नहीं। जो वैल्यू ओड होगा उसके लिए ट्रू रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू इवन होगा उसके लिए फॉल्स रिजल्ट आएगा। आइए अब इवन के बारे में सीखें। इवन फॉर्मूला की मदद से किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वह वैल्यू इवन है या नहीं। अगर वह इवन नहीं है तो वह आपको आगे उसके आगे की इवन वैल्यू को दिखाएगा। आइए अब वीडियो की मदद से इवन और इज इवन के बारे में सीखें।
आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं इवन फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। इवन फॉर्मूला की मदद से आप ओड नंबर को इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे इवन टाइप किया क्योंकि हमें इसके नीचे इवन फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने इक्वल टू टाइप किया, फिर इवन को टाइप किया। इवन टाइप करने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि नंबर पूछ रहा है किस नंबर को आप चेक करना चाहते हैं कि वो ओड है या इवन। हमने यहाँ पे 281, जैसे कि ये ओड नंबर है, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर एंटर बटन दबाएंगे। जैसे एंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे रिजल्ट आया 281 आया, उसको एक नंबर ऐड करके उसको इवन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से इवन का फॉर्मूला किसी भी ओड नंबर को उसमें एक नंबर ऐड करके उसे इवन में बदल देगा। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फिर से इक्वल टू लिखा, फिर इवन लिखा, फिर हमने 5 को सिलेक्ट किया, 5 यहाँ पे टाइप किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 5 में 1 प्लस करके उसे 6 में कन्वर्ट कर दिया, उसे इवन में बना दिया। इसी प्रकार से हम फिर से इक्वल टू इवन टाइप किया, फिर हमने यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इस बार इवन नंबर लिया, इवन नंबर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर बटन को प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जब आप इवन नंबर लेंगे उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, जब आप ओड नंबर लेंगे तो उसे इवन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से आप इवन फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से इज इवन फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। इज इवन फॉर्मूला की मदद से आप यह चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू इवन है या नहीं। अगर कोई वैल्यू इवन होगी तो उसे ट्रू रिजल्ट में दिखाएगा, अगर कोई वैल्यू ओड है तो उसे फॉल्स में दिखाएगा। सबसे पहले जहां पे आपको इज इवन चेक करना है वहां पे इज इवन लिखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने इज इवन लिखा। उसके बाद हमें इस फॉर्मूला को लगाना है, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद इज इवन टाइप किया हमने यहाँ पे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे इज इवन टाइप किया। फिर यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है किस वैल्यू को आप चेक करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 282 वैल्यू को चेक किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आया क्योंकि 282 एक इवन वैल्यू है। फिर से चेक करने के लिए इक्वल टू लगाएं, फिर इज इवन टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर वैल्यू पूछ रहा है किस वैल्यू को आप चेक करना चाहते हैं, हमने 6 को सेलेक्ट किया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू लिखा हुआ आ गया क्योंकि 6 जो वैल्यू है वो इवन होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आया। फिर से चेक करने के लिए इज इवन लिखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे इज इवन लिखा। इस बार हमने एक वैल्यू 5 को सिलेक्ट किया, जैसे कि आप सभी जानते हैं 5 एक ओड वैल्यू होता है। जब हमने इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया फॉल्स आया क्योंकि 5 जो है वो ओड वैल्यू है। हम यहाँ पे इवन चेक कर रहे हैं जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया वो फॉल्स आया। फिर से देखिए, हमने यहाँ पे इज इवन लगाया, इज इवन लगाने के बाद हम फिर से वैल्यू चेक करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे वन वैल्यू को चेक कर रहे हैं, वन वैल्यू को चेक करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर एंटर बटन दबा दिया। जैसे एंटर बटन दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स लिखा आया। जिस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो वन वैल्यू है वो ओड है या इवन है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो फॉल्स आया क्योंकि हम यहाँ पे इज इवन का फॉर्मूला का उपयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप इज इवन फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप फैक्ट फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। फैक्ट फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी वैल्यू को फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल किसी भी वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए वैल्यू 4 का फैक्टोरियल आप कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
आइए अब वीडियो की मदद से फैक्ट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से फैक्टोरियल वैल्यू को निकालना सीखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए हम फैक्ट फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। सबसे पहले जिस कॉलम में आपको फैक्टोरियल निकालना है, वहाँ पे फैक्ट टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे फैक्ट टाइप किया। उसके बाद हमें इसके नीचे वाले सेल में सबसे पहले इक्वल टू को टाइप करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया। उसके बाद फैक्ट लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। हमें भी एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, हमने वहाँ पे वन टाइप किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वन आया, क्योंकि वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा। फैक्टोरियल के अंदर आप जो भी नंबर को फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, जो उससे नीचे का नंबर है, उससे पहले जो नंबर, जितने भी नंबर आते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर देता है। आप आगे वीडियो में सीखेंगे कैसे वो मल्टीप्लाई करता है। अभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे फिर से इक्वल टू फैक्ट टाइप किया। फैक्ट टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे टू लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर बटन दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट टू आया, टू मल्टीप्लाई वन इक्वल टू टू, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। टू से एक नंबर नीचे वन होता है, तो इसने टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में टू ही आया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर से हम अगले नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने इक्वल टू टाइप किया, फिर फैक्ट लिखा, फिर कोई नंबर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे थ्री नंबर लिया, हमें थ्री नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फिर ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं रिजल्ट सिक्स आया। सिक्स इसीलिए आया, इसने मल्टीप्लाई किया थ्री को टू से, फिर उसको वन से। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को टू से फिर इसको वन से, तो रिजल्ट यहाँ पे सिक्स आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, तो यहाँ पे रिजल्ट सिक्स आया। अब हम अगले नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल थोड़ा छोटा हो गया था, इसलिए हमने इसको इसकी विड्थ को बढ़ा दिया। यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे टाइप किया, फिर से हमने फैक्ट लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अभी हमने फोर नंबर को यहाँ पे टाइप किया। फोर नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर 24 आया। 24 इसीलिए आया, फोर से नीचे तीन नंबर आते हैं, थ्री टू वन, तो इसने फोर को मल्टीप्लाई किया पहले थ्री से, फिर इसको टू से, फिर वन से, तो इस प्रकार से रिजल्ट 24 आ गया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन। जब हम इसको इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 24 आएगा। फिर से हम अगले नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। सबसे पहले इक्वल टू को टाइप करें, फिर फैक्ट लिखें, FACT फैक्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं उस नंबर को टाइप करें। हमने यहाँ पे 5 लिखा और फिर ब्रैकेट को क्लोज किया, तो आप देख सकते हैं 5 नंबर का फैक्टोरियल 120 आंसर आया। 120 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से अगले नंबर का हम फैक्टोरियल निकालेंगे। इक्वल टू फैक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम 6 नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे, ब्रैकेट को क्लोज किया था, यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं 720 आंसर आया। इसका मतलब ये सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा 6 को 5 से, फिर उसके बाद 4 को, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 2,
और लास्ट में वन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर यहाँ पे 720 आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यू सही है या नहीं, इन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो हमने फैक्टोरियल निकाला है वो आंसर उससे मैच करता है नहीं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आया। हमने फैक्टोरियल निकाला था 2 का, तो यहाँ पे 2 आया। फिर हम 3 को फैक्टोरियल निकाला था जिसका आंसर 6 आया था, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 इंटू 1। देख सकते हैं यहाँ पे 6 आंसर आया। हमने फैक्टोरियल निकाला था 3 का, तो भी 6 आया था। हमने 4 का फैक्टोरियल निकाला था तो 24 आया था। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 × 3 × 2 × 1, तो देख सकते हैं इसका आंसर 24 आएगा। जो मैच कर रहे हैं वैल्यू देख सकते हैं 24 24। हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला था तो 120 आया था। अब हम इसको चेक करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देख सकते हैं जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो वैल्यू 120 आया। इसी प्रकार से हमने 6 का निकाला था फैक्टोरियल जो 720 आया था, तो इसको चेक कर लेते हैं कि 720 आता ही नहीं है। 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर मल्टीप्लाई किया 1 से। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 720 आ गया। तो आप देख सकते हैं जो फैक्टोरियल हमने निकाला था 720 और मल्टीप्लाई करने पर भी 720। तो इस प्रकार से आप फैक्ट फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप मोड फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। मोड फॉर्मूला की मदद से आप यह जान सकते हैं कि जब आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वह पूरी तरीके से भाग होता है या नहीं। जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, मोड फॉर्मूला के द्वारा आप उसे जान सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से मोड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं मोड फॉर्मूला का उपयोग हम जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम जो शेष बचता है उसको काउंट कर सकते हैं, हम उसको वैल्यू को जान सकते हैं। जहाँ पे आपको मोड फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले वहाँ पे मोड लिखें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे मोड लिखा, फिर हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। तो सबसे पहले इक्वल टू सिंबल को टाइप करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे इक्वल टू सिंबल को टाइप किया, फिर हमने यहाँ पे मोड लिखा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आया है डिवाइडेड एंड डिवाइजर। किस नंबर से आपको डिवाइड करना है पहले उस नंबर को टाइप करें। हमने यहाँ पे 8 नंबर टाइप किया, उसको किस नंबर से भाग करना है, भाग करने के लिए जिस नंबर से जो डिवाइजर होगा आप वो यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने यहाँ पे 4 टाइप किया है, इसका मतलब हम 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं जो रिजल्ट आएगा, जो शेष आएगा वो 0 आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मोड की फॉर्मूला से हम रिमाइंडर को, जो शेष को, उसको हम निकाल सकते हैं। फिर से समझने के लिए इक्वल टू को सिंबल टाइप करें, फिर से मोड को टाइप करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे मोड लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर हमने यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे, हमने यहाँ पे 9 टाइप किया,
हमें 9 को भाग देंगे। भाग देने के लिए बीच में आपको सेमी कोलन का उपयोग करना है, जैसे कि वीडियो में देखते हमने यहाँ पे सेमी कोलन लगाया, जिसे भाग देना है उस नंबर को यहाँ पे टाइप करें। हमने यहाँ पे 4 को टाइप किया, 9 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट 1 आया। जब आप 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। फिर से समझने के लिए फिर से इक्वल टू को टाइप करें, मोड को टाइप करें, जिस नंबर को आप भाग देना चाहते हो वो नंबर टाइप करें। हमने यहाँ इस बार 20 टाइप किया, फिर इसको भाग देंगे। भाग देने के लिए यहाँ पे अभी आपको सेमी कोलन टाइप करना है, इस सिंबल को टाइप करना है। अगर इसके अलावा आप कोई भी दूसरे सिंबल का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला में एरर आ जाएगा, इसीलिए आप सभी को सेमी कॉलन ही टाइप करना है। फिर उसके बाद 7 टाइप करें, हम 20 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर 6 आएगा। जब आप 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। तो इस प्रकार से आप मोड फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू 22.7 अथवा 3.14 होती है। आइए अब वीडियो की मदद से पाई फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से पाई फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। पाई की मदद से आप पाई की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जहाँ पे आपको पाई की वैल्यू निकालना है वहाँ पे पाई टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके नीचे हमें फॉर्मूला को यूज़ करना है, तो उसके नीचे सेल के नीचे हम सबसे पहले इक्वल टू को टाइप करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको इक्वल टू लिखना है, फिर पाई लिखना है, पी आई, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। आपको कोई भी नंबर टाइप नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर एंटर बटन दबा देंगे, जैसे एंटर बटन दबा देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है 3.1.41, ये पाई की वैल्यू है। अगर आप कोई नंबर टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ जाएगा। हमने यहाँ पे इक्वल टू पाई और 2 टाइप किया तो यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ गया। इसीलिए आपको कोई भी नंबर टाइप नहीं करना, सिर्फ इक्वल टू पाई, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन दबा देंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से आप पाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए अब पावर फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। पावर फॉर्मूला की मदद से आप किसी नंबर की पावर को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा 2 की पावर 2, इसका मतलब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब वीडियो की मदद से पावर फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से पावर फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। पावर फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी नंबर का पावर निकाल सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे पावर लिखा। अभी हमें पावर फॉर्मूला को सीखना है कि पावर फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करें, फिर पावर लिखें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे पावर लिखा, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस और पावर लिखा हुआ है। बेस मतलब किस संख्या, किस नंबर का आपको निकालना है वो पावर, यानी कि उससे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो उसकी पावर हो जाएगी। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे बेस दिया, आधार दिया। अभी 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो उसकी पावर हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले बीच में सेमी कोलन लगाएं, फिर हमने यहाँ पे पावर में 2 लिखा। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 4 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दो बार यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 की पावर 2। जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, फिर पावर लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इस बार हमने बेस में 4 लिखा, फिर हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाया और हमने पावर 3 दिया। इसका मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4। जब इसको एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 4 की पावर 3 किया, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 बार 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब इसका आंसर 64 आ जाएगा। यह पावर होता है। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया, फाइव पावर लिखेंगे, इक्वल टू के बाद हम पावर लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, बेस में हम नंबर देंगे अब 5 लिखा, सेमी कॉलन। आप सभी को कोई भी बेस के बाद सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन के बाद हमने पावर 5 दिया, इसका मतलब 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 बार 5 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। जब इसको हम एंटर बटन प्रेस करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, तो आंसर आ जाएगा 3125। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जब हम पावर में इसको किया, हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर 5 से उसको मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से, फिर मल्टीप्लाई किया 5 से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जिस नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वह उसकी पावर होगी। एक और उदाहरण से समझते हैं। हमने सबसे पहले इक्वल टू लिखा, फिर पावर टाइप किया, बेस में जिस नंबर को आपको पावर निकालना है पहले वो नंबर लिखें। हमने इस बार 2 टाइप किया, फिर सेमी कॉलन लगाया और 6 टाइप किया, इसका मतलब यह है 2 की पावर 6, मतलब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6 बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 64 आया। इसको चेक कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 टाइम 2 है, यानी कि 2 की पावर 6। आंसर दे सकते हैं 64। तो इस प्रकार से आप पावर की मदद से तो इस प्रकार से आप पावर का उपयोग कर सकते हैं, पावर फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब राउंड फॉर्मूला के बारे में सीखें। राउंड फॉर्मूला की मदद से आप डेसिमल की वैल्यू जैसे कि पॉइंट के बाद की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर 5 से ज्यादा है तो वह उसे एक नंबर ऐड हो जाएगा। आइए अब वीडियो की मदद से राउंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से राउंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। राउंड फॉर्मूला की मदद से आप दशमलव के बाद कितने नंबर्स को रखना है
यह सीख सकते हैं। उसे राउंड अप कर सकते हैं दशमलव के बाद कितनी नंबर कितनी संख्या चाहिए वो आप इसे निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा, सबसे पहले 2.3.4.5.4.6.7.9। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ नंबर टाइप्स किया और ये सभी नंबर दशमलव में है, पॉइंट में है। हमें राउंड वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमने राउंड टाइप किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके नीचे हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू टाइप करें। इक्वल टू टाइप करने के बाद राउंड टाइप करें, आर ओ यू एन डी, राउंड टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अभी आप देख सकते हैं नंबर, किस नंबर का आपको राउंड वैल्यू निकालना है उसको पहले सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद सेमी कोलन का उपयोग करें, बीच में हमने सेमी कोलन का सिंबल उपयोग किया। फिर आप देख सकते हैं काउंट, कितने नंबर तक आपको काउंट करना है, मतलब कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आपको चाहिए। जितने नंबर आपको चाहिए, हमने यहाँ पे हमें 2 नंबर चाहिए तो हमने यहाँ पे 2 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन दबा दिया। तो आप देख सकते हैं 2 के बाद जो 2 पॉइंट के बाद 2 वहाँ पे वैल्यू आ गया, 2.23। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इक्वल टू टाइप करें, राउंड, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, नंबर को हमने सेलेक्ट किया, फिर सेमी कॉलन लगाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर आपको चाहिए, जितने नंबर आपको चाहिए हमने यहाँ पे टाइप किया, हमने 3 नंबर चाहिए तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन दबा दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.676, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 वैल्यू आया है। उदाहरण के लिए फिर से देखें, हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया, राउंड लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, कितने दशमलव के बाद कितने नंबर तक आपको रखना है तो काउंट में हम उतने नंबर को रखेंगे। हमने इस बार 1 टाइप किया, यानी कि दशमलव के बाद हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.9, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.8 है, 8 के बाद 7 है, 7 को एक नंबर ऐड में कन्वर्ट कर दिया तो वो 9 में आ गया। फिर से एक और उदाहरण के द्वारा समझें। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करें, राउंड लिखें, सेमी कॉलन, इस बार आप देख सकते हैं हमने फिर से काउंट में एक नंबर को रखा तो यहाँ पर आंसर आ गया 5.5। तो आप वीडियो में देख सकते हैं 4 को एक नंबर में ऐड कर दिया तो पॉइंट के बाद एक आ गया 5.5। पहले यहाँ पे 5.4567 था, तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 4 उसके बाद 5, तो 5 एक ग्रेटर वैल्यू है जो उसको एक नंबर इसमें ऐड करके उसको 5 बना दिया, यहाँ पे 5.5। इस प्रकार से आप राउंड फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब स्क्वायर रूट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। स्क्वायर रूट फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से आप स्क्वायर रूट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से स्क्वायर रूट निकालना सीखें। सबसे पहले जहां पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है वहां पे स्क्वायर रूट लिखें। आप सभी को यह बताना चाहूंगा स्क्वायर रूट के लिए जो सिंटैक्स यूज करेंगे वह होगा SQRT। हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है सबसे पहले इक्वल टू टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, फिर SQRT टाइप करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर लिखा हुआ है। जिस भी नंबर को आपको स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर को टाइप करें,
हमें 25 नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमने यहाँ पे 25 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन दबा दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो यहाँ पे आंसर 5 आ गया। फिर से इक्वल टू स्क्वायर रूट SQRT टाइप करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, जिस नंबर को आपको स्क्वायर रूट निकालना है वह नंबर यहाँ पे टाइप करें। हमने 49 नंबर यहाँ पे टाइप किया, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन दबा दिया। तो देख सकते हैं 49 का स्क्वायर रूट आएगा वो 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49। फिर से स्क्वायर रूट निकालने के लिए इक्वल टू को टाइप करें, SQRT टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, फिर जिस नंबर का निकालना है वो नंबर यहाँ पे टाइप करें। हमने 100 यहाँ पे टाइप किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, फिर एंटर बटन एक बार प्रेस किया तो 100 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 10 आ गया, 10 का स्क्वायर 100। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हम फिर से इक्वल टू SQRT टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया और यहाँ पे 200 टाइप किया और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब हम 200 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो 200 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया, 14.14213562, ये 200 का स्क्वायर रूट है। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर रूट की मदद से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए अब एवरेज और एवरेज ए फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। एवरेज फॉर्मूला की मदद से आप नंबर के ग्रुप का एवरेज निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एवरेज को कैसे निकालते हैं? जब आप किसी भी वैल्यू का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो आपको यह देखना होता है कि आपने टोटल कितने नंबर्स का उपयोग किया है, और आप उन्हीं नंबर से टोटल को भाग कर देंगे अथवा डिवाइड कर देंगे। आइए अब वीडियो की मदद से सीखें एवरेज फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से एवरेज फॉर्मूला को निकालना सीखते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपको एवरेज फॉर्मूला निकालना है उस सेल पे या उस कॉलम पे एवरेज टाइप करें। जैसे हमें एफ कॉलम में एवरेज निकालना है तो हमने यहाँ पे एवरेज लिखा। अभी हम इसके नीचे एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू सिंबल टाइप करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे इक्वल टू सिंबल टाइप किया, फिर यहाँ पे एवरेज लिखेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एवरेज लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अभी आप देख सकते हैं नंबर वन, नंबर टू, जिन नंबरों का आपको एवरेज निकालना है, जैसे यहाँ पे तीन सब्जेक्ट दे रखे हैं, अगर इन तीनों का एवरेज निकालना है तो हम इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इन तीनों नंबर को सेलेक्ट किया और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे हमने एंटर बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे इन तीनों नंबर का जो एवरेज वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आप एवरेज को निकाल सकते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम प्रैक्टिकली निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू जो टोटल नंबर है, जैसे कि अब आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे 280 हमारे पास टोटल नंबर है। जब हमने इन तीनों सब्जेक्ट का टोटल किया तो यहाँ पे 280 आया। अब हम उसको डिवाइड कर देंगे तीन से, क्योंकि हमारे पास तीन सब्जेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं जब हमने ऐसे एवरेज निकाला तो भी वैल्यू सेम आया। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके से एवरेज का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। जब आप उसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन, हर एक वैल्यू का एवरेज आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप एवरेज का उपयोग कर सकते हैं, एवरेज को निकाल सकते हैं। आइए अब एवरेज ए फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। एवरेज फॉर्मूला की मदद से आप किसी टेक्स्ट और नंबर दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से समझते हैं कि एवरेज ए फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं।
आइए वीडियो को देख के सीखते हैं एवरेज ए फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं। सबसे पहले जहां पे आपको एवरेज ए फॉर्मूला लगाना है वहां पे एवरेज ए लिखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। एवरेज ए की मदद से आप टेक्स्ट और नंबर दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, एवरेज टाइप कर रहे हैं। एवरेज टाइप करने का बाद ए लिखा, हमने पूरा एवरेज ए लिखा। यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यू वन वैल्यू टू लिखा हुआ है। वैल्यू वन वैल्यू टू मतलब आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे आप नंबर लेना चाहते हैं नंबर ले सकते हैं, या टैक्स लेना चाहते हैं तो टैक्स ले सकते हैं। यहाँ पर आप दोबारा से देखें एवरेज के अंदर क्या होता है, जब हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री। इसका मतलब ये है जब हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो वह सिर्फ नंबरों का ही एवरेज वैल्यू निकालेगा। लेकिन एवरेज ए के अंदर क्या होता है, एवरेज ए के अंदर नंबर के साथ साथ टैक्स का भी वो एवरेज वैल्यू निकालता है। हम दोनों को टेक्स्ट और नंबर दोनों को सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में जो वैल्यू होती है उसे वन काउंट करता है, बाकी नंबर को भी वन काउंट करके फिर उसका एवरेज निकालता है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया फिर एक नंबर को सेलेक्ट किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया और फिर नंबर, हमने तीन दो नंबर यहाँ पे लिया, फिर सेमी कॉलन लगाया, फिर से एक अगले नंबर को सिलेक्ट किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक टेक्स्ट और तीन नंबर को लिया, हम उसका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ए, जहाँ पे टेक्स्ट ए है उसको ए काउंट करेगा, ए वन काउंट करेगा, 85 को भी वन, 97 को भी वन, 98 को भी वन। तो यहाँ पे टोटल चार वैल्यू हो गया और इनको, इन चारों वैल्यू का यहाँ पे एवरेज निकाल दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस 280 में से 4 को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी, जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 70 होगी। फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर एवरेज लिखा, एवरेज ए लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू वन वैल्यू टू लिखा रहा है। तो सबसे पहले हमने एक वैल्यू लिया बी जो टेक्स्ट है, वहां से लेके 98 90 45 डी 3 तक की वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल चार वैल्यू है, टेक्स्ट को मिला के टोटल चार वैल्यू है। जब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बाकी सभी का एवरेज वैल्यू निकालना है तो यहाँ से ड्रैग करके हम इसकी एवरेज वैल्यू को निकाल देंगे। इस प्रकार से इन सबका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप एवरेज ए की मदद से आप टेक्स्ट और नंबरों का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज में सिर्फ नंबरों का ही एवरेज निकाल सकते हैं। अब आप काउंट ए फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं काउंट ए फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? काउंट ए फॉर्मूला से आप यह काउंट कर सकते हैं कि आपने जो भी टेबल सेलेक्ट की है उसमें कितने सेल में वैल्यू है। यह सिर्फ आपको नंबर की वैल्यू को काउंट करेगा। क्या आप बता सकते हैं काउंट ब्लैंक का उपयोग क्यों करते हैं? आइए वीडियो की मदद से काउंट ए फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं काउंट ए की मदद से आप टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपको काउंट ए फॉर्मूला लगाना है वहाँ पे काउंट ए लिखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमें फिर इस सेल के नीचे काउंट ए का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद काउंट ए लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू वन सेमी कॉलम वैल्यू टू लिखा है। तो सबसे पहले हमने एक वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, हमने एक कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट किया जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। फिर
फिर हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सेमी कॉलन लगाने के बाद हम दूसरे नंबर को सेलेक्ट करेंगे, दूसरे वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, और फिर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि इसके अंदर टोटल 10 वैल्यू है। नंबर को काउंट करके देखें और फिर जो टैक्स है उसे भी काउंट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो टोटल है यहाँ पे 10 वैल्यू है टोटल। तो इस प्रकार से आप काउंट ए की मदद से टेक्स्ट और नंबर को काउंट कर सकते हैं। फिर से काउंट ए लिखें, पहले इक्वल टू को टाइप करें, फिर काउंट ए लिखें। अब आप देख सकते हैं हमने इस टेबल को, पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, जहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है और कुछ नंबर हैं, दोनों यहाँ पे हैं। हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया, फिर एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे टोटल 30 आ गया। जब आप नंबर और इन टेक्स्ट को काउंट करेंगे तो इस सेल के अंदर, इस टेबल के अंदर टोटल 30 वैल्यू है, जो यहाँ पे रिजल्ट 30 आ गया। फिर से आप इक्वल टू लिखें, काउंट ए टाइप करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे ब्लैंक सेल को सेलेक्ट किया है, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि जो हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं था, ना तो टेक्स्ट था ना ही नंबर था। इस प्रकार से आप काउंट ए की मदद से टेक्स्ट और नंबर को काउंट कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अब आप अपने फाइल को क्लोज करें और फिर अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आइए अब जानते हैं कि आपने आज क्या सीखा। आज आपने कुछ फॉर्मूलाओं के बारे में सीखा, जैसे कि ओड इज इवन मोड राउंड पाई काउंट ए एवरेज ए फॉर्मूला के बारे में सीखा।